तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हमारा शिलोंग में तीसरा दिन हो चुका है। आज मौसम बहुत ही खराब है, रात भर हवा चल रहा है। आप देख सक रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से हवा चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, तो आज हमें जाना है मौसेरम, और मुझे पता नहीं हुआ का मौसम क्या होगा। अभी देखिए यहाँ इतना जोर से हवा चल रहा है, यहाँ पे जाके देखते हैं। अगर ज्यादा बारिश हो गया तो आज का साइट सीइंग हमारा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर हवा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, तो हम बहुत अच्छी तरह से आज साइट सीइंग कर पाएंगे। तो फिलहाल तो मैं ये खोल रहा हूँ यहाँ पर हानो के लिए। हानो लेके आएगा गाड़ी को, और अभी हमारा समय हो चुका है इस तरह से। और मेरे पीछे देखिए अरुणाचल भवन का नजारा सुबह सुबह, वो भैया लोग भी खड़ा है वहां पर। You know, somebody who won't pay for a camera fee. Yeah, it's just a cheap skate. So, exactly. अभी हम लोग यहाँ एक व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हैं, और यहाँ से हमारा जो मौसेरम है, चिरापुंजी एरिया है, यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर पे। आप यहाँ मेरे पीछे देख सक रहे हैं बहुत सारा टूरिस्ट का गाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी हुआ करता था, पता नहीं अभी खुला है कि नहीं खुला है। आज बंद है, आज मंडे है, बंद नहीं होना चाहिए, बाकी क्यों बंद है पता नहीं। और वहाँ पर बहुत सारा सोवेनियर शॉप था। और इधर देखिएगा मेरे राइट साइड में, यहाँ पर एक नीचे जाने का रास्ता है जहाँ से आप व्यू पॉइंट देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे, हम बस ऊपर ऊपर देख के जाएंगे। और मेरे पीछे देखिए मरमेड, बहुत साल से सो रहा है ये मरमेड, यहीं पर बैठे रहता है। और अब मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पर जो कि सोवेनियर शॉप का अड्डा है। इधर देखिए, अगर आप टूरिस्ट बन के आते हैं तो यहाँ से बहुत सारा सोवेनियर के लिए सामान लेके जा सकते हैं। यहाँ पर जो मकई वकई बेचते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, औरत है, आज यहाँ पर दो है। कभी कभी यहाँ पर पूरा लाइन रहता है। अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, हमें और आगे जल्दी जाना है क्योंकि बारिश होने का भी बहुत चांसेस है। आनो हक सका। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया साइट सीइंग, और मैं एक नया चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बंजी जंपिंग का ऑप्शन भी आ चुका है। अभी जो बंगी जंपिंग का प्लेटफॉर्म दिखाया अभी, तो ये भाई साहब हमें पार्किंग वगैरह संभालता है यहाँ पर। उन्होंने बताया कि ये जो आज का दिन में ही इनॉग्रेट होगा, तो मुझे लगा तो एक साल हो गया शायद, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आज का दिन इनॉग्रेट होगा। और ये जगह से नहीं जाएगा, वो आगे जो छोड़ के आया टाउन का, वहाँ से मौजरम बाजार का नाम है मौजरम, वहाँ से राइट लेना पड़ेगा यहाँ से जाने के टाइम में। ओके, थैंक यू। तो ये चेरापूंजी का रास्ता में एक नया डिपो खुल गया, ये पहले नहीं था। और ये भैया जी बता रहे हैं कि 4-5 महीना कुछ हो गया ये डिपो खुल चुका, लगभग साल हो गया ये खुलकर। तो लेकिन अच्छा है, यहाँ पर बीच में डिपो खुल गया यहाँ पर। तो ये है वो चाय का दुकान का नज़ारा, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चाय है, कड़क चाय, इलायची चाय, केसर चाय। और रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस में मिल रहा है। और ये कप देखिए सुंदर सा, गुवाहाटी में पलटन बाजार में ऐसे कप में पीने मिलता है हमको। माय गॉड, सुंदर बना के रखा है यहाँ पर। Hello. अभी हम पहुंचे हैं नौखा लिखा है फॉल में, और नीचे मेरे पीछे जो दिख रहा है वहां पर है वाटरफॉल। बट आज बहुत ही यहाँ फॉग है, और अभी ये फॉग आना जाना चल रहा है,
पता नहीं आधा घंटे का बाद हवा उसको ले जाए और हमें नखौल खैर फॉल देखने को मिले। फिर भी मैंने कुछ शॉट्स लिया है नीचे में जब थोड़ा क्लियर था पहले, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और आज का मौसम ऐसे भी बहुत ही विंडी था, सुबह आपने देखा था। होपफुली ये विंड उसको लेके जाएगा। और यहाँ पर हमारा मिसेस जॉर्जा है, उनको कुछ फ्रेंड मिला है राजस्थान से जो आए हैं टूरिस्ट। That's the only thing. Mm-hmm. But yeah, I'll get the food tent. Get drone game, man. But if he makes it back, यहाँ पे जो दिख रहा है और नोखा दिखाई फॉल जहाँ से स्टार्ट होता है उसको दिख रहा है। अभी ड्रोन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नोखा दिखाई फॉल को नाप रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम इस तरह का व्यू देख रहा हूँ। थैंक यू मिस्टर स्टीवन फॉर शोइंग मी दिस व्यू। और ये देखिए नीचे झरना का नज़ारा, वाओ। ये व्यू बहुत कम लोगों ने देखा होगा, वेरी फ्यू पीपल मस्ट हैव सीन दिस व्यू। वॉच दिस, लुक एट दैट लुकिंग अप, वाओ। सो व्हाट आई वांट टू ट्राई एंड डू विदाउट गेटिंग द ड्रोन वेट, बट आई थिंक आई एम फाइन। Look, if I go down, I think I'm fine. It's a 200 meter high from the ground. Yeah, I've just got to keep an eye on things. Perfect. Yeah, it was pretty good. Ugh, who wrote RKM there, you idiots? Idiots. Okay. Let's try. अन्य मेरी यादों से तू जाती नहीं, नींद अब आंखों में आती नहीं। तो ये है नज़ारा नोखा लिखाई फॉल का। आज पूरा फोगी है, लेकिन अभी हमने वो ड्रोन उड़ा के देखा था, नीचे पूरा क्लियर है, बहुत सुंदर शॉट देखने को मिला है। मैं चाहता हूँ मिस्टर स्टेफन हमको छोटा सा एक शॉट भेजे और मैं आप सबको दिखाऊँ कि इस फोग का नीचे जो नोखा लिखाई फॉल है वो कितना सुंदर दिखता है।